केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पांचवें टेस्ट में शतक जमा कर लगाया रिकॉर्ड्स का अंबार। इंग्लैंड के हाथों पांचवें टेस्ट के अंतिम दिन टीम इंडिया के दो बल्लेबाजों ने दिखाया कि वे कितने दमदार हैं और भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुनहरे हाथों में है। राहुल ने आखिरकार फैंस को शतकीय तोहफा दिया। उन्हें युवा ऋषभ पंत का भी साथ मिला, जिन्होंने अगले तीन घंटे में फैंस का भरपूर मनोरंजन किया और इंग्लिश गेंदबाजों को निराश किया। राहुल ने अपने करियर का पांचवां टेस्ट शतक लगाया और पंत के साथ मिलकर द्विशतकीय साझेदारी की। वहीं पंत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आदिल राशिद की गेंद पर छक्का जमाकर शतक पूरा किया। इस दौरान राहुल और पंत ने रिकॉर्ड्स की भी जड़ी लगाई। चलिए गौर करते हैं, ऋषभ पंत द्वारा खेली 114 रन की पारी इंग्लैंड में किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा बनाया सर्वाधिक स्कोर है। उन्होंने एमएस धोनी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2007 में द ओवल पर 92 रन की पारी खेली थी। केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच 204 रन की साझेदारी हुई, जो टेस्ट की चौथी पारी में भारत की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई। यह तीसरा मौका रहा जब चार भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड में खेली गई टेस्ट सीरीज में शतक जमाया। केएल राहुल के 149 रन की पारी टेस्ट की चौथी पारी में ओपनर द्वारा खेली दूसरी सर्वश्रेष्ठ पारी है। केएल राहुल विदेश में सुनील गावस्कर और शिखर धवन के बाद चौथी पारी में शतक लगाने वाले तीसरे ओपनर बने। ऋषभ पंत एशिया के बाहर टेस्ट शतक जमाने वाले चौथे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बने। कपिल देव, इरफान पठान और हरभजन सिंह के बाद अपने पहला शतक छक्के के साथ पूरा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने पंत। यह चौथा मौका है जब टेस्ट की चौथी पारी में दो बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की तरफ से शतक जमाया हो। ऋषभ पंत चौथी पारी में शतक जमाने वाले सातवें विकेटकीपर बने। पंत और राहुल की साझेदारी चौथी पारी में भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट में सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले चौथी पारी में छठे विकेट के लिए सचिन तेंदुलकर और नयन मोंगिया के बीच 1999 में बनी साझेदारी सबसे बड़ी साझेदारी थी। दोनों ने चेन्नई में 136 रन की साझेदारी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी। सबसे पहले एमएल जयसिम्हा और चंदू बोर्डे साल 1968 में 119 रन जोड़कर पहली बार चौथी पारी में भारत के लिए 100 रन से ज्यादा की साझेदारी बनाई थी।